हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम चलते हैं अपने द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल पे। डेली की तरह मैं आज एक आर्टिकल लेके आया हूँ, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा डेफिनेटली। वोकेबुलरी बहुत सारी आपको सीखने को मिलेगी और काफ़ी लेंथी आर्टिकल है, बट आई हैव सिंप्लीफाइड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इन ए वेरी सबटल मैनर। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें बात करें उल्फा की। कई दिन हो गए होंगे आपको ये सुनते हुए, उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ग्रुप है जो कि बहुत दिनों से एक्टिवेटेड था 1979 से। तो यहाँ पे बात हो रही है द प्रो टाक फैक्शन, जो टाक को सपोर्ट करते हैं। प्रो मतलब जो होता है उसका सपोर्टर है, आर्डेंट सपोर्टर, उत्साही सपोर्टर होता है। फैक्शन ऑफ मिलिटेंट ग्रुप मिलिटेंट होता है जो कि उग्रवादी होते हैं। हैज़ साइंड ए पीस अकॉर्ड, उन्होंने पीस अकॉर्ड शांति के लिए एक अकॉर्ड होता है सहमति विद द यूनियन गवर्नमेंट विच आसाम चीफ मिनिस्टर हिमांत आ बिस्वा शर्मा हैज़ टर्म्ड हिस्टोरिक बट पीस इज स्टिल अफार। अफार होता है दूर। विद अनदर फैक्शन, जो गुट है, फैक्शन होता है गुट, कोई पर्टिकुलर एक बड़े हिस्से में से एक छोटा फैक्शन, वो होता है कसम खाना, जो कसम खाए हुए टू कंटिन्यू द आर्म स्ट्रगल, उन्होंने कसम खा रखी है कि वो स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये आज का कोई इवेंट नहीं है, ये बहुत पुराना इवेंट हो चुका है। यहाँ पे कुछ आदमियों के नाम भी दिए हैं कि जब यहाँ 7 अप्रैल 1979 को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम बना था और गोल क्या था, सोवरन सोशलिस्ट असम बनाना इनका, और जिसमें से कुछ 6 आदमियों के नाम लिए गए हैं जैसे भीम कांता, बुरा गोहिंद, राजीव राज कोनवर, अलियास अरविंदा राजखोहा, जो भी अभी इंडिपेंडेंट के राजखोहा रहते हैं जिन्होंने मतलब ये ग्रुप में साइन किया राजखोहा, एंड गोलभ बरवा या अनूप चीटिया या प्रदीप गोगोई, समरीन गोगोई, अलियास बरदेश्वर गोहिंद एंड परेश बरवा, जो इंडिपेंडेंट के फैक्शन के हैं, जो अभी साथ में मिले नहीं है, 6 आदमी थे। तो राजखोवा ने तो साइन कर लिया, अभी परवेश बरुआ आ गए हैं, अनूप छेटिया वगैरह या प्रदीप जो है या गोलभ बरुआ, ये नाम है इनके। तो ये 6 आदमी इकट्ठे हुए थे और ये इन्होंने जो इलीगल माइग्रेशन होता था बांग्लादेश की तरफ से, और 1977 के जो इलेक्शन थे वहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको वोटर आई डी कार्ड दे दिए एंड देवर इन अप्रेंशन कि हाउ कैन इट पॉसिबल द पर्सन हु इज माइग्रेटिंग फ्रॉम दी बांग्लादेश एंड दे आर गेटिंग रजिस्टर्ड देमसेल्व एज ए वोटर एंड ऑटोमेटिकली दे विल स्नेच दी ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द पीपल हु आर रिजाइडिंग इन द पर्टिकुलर एरिया। तो ये उनका डर था कि देवर इन अप्रेंशन कि ये हमारे जो सारे प्रिवलेजेस हैं, राइट्स हैं, जॉब हैं, उनको स्नेच कर लेंगे, यहाँ पे हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट नहीं होगा। दूसरा क्या है कि जितने भी आदमी होंगे वो एक हमारे एथनिसिटी को भी चेंज करना चाहेंगे, जो हमारी प्रिजर्वेशन, हम जिसको प्रिजर्व करना चाहते हैं उसको मतलब अलग अलग तरह की बना देंगे यहाँ पे। तो इसको मैंने जो भी है सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है ताकि आप अच्छे से कंप्लेंट कर सकें। तो इसलिए चलते हैं यहाँ पे क्या बात की गई है। उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम वाज फॉर्म। देखो वाज के बाद आपने देखा होगा सेंटेंसेस में वाज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, जो बोलते हैं कि भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बट यहाँ पे वाज फॉर्म ये एडजेक्टिव फॉर्म आ गई, इसको पैसिव फॉर्म भी बोलते हैं, तो एडजेक्टिव है। वाज फॉर्म बाई सो एंड सो, किसके द्वारा बनाई गई थी, इन 1979 विद द गोल ऑफ एस्टैब्लिशिंग। गोल क्या था, एस्टैब्लिशिंग करना है सोवरेन सोशलिस्ट असम, सोवरेन संप्रभु, जो किसी की सोवरेनिटी ना माने अपने डिसीजन खुद ले, संप्रभु बोलते हैं इसको। आपको भी पता है इंडिया एक सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्री है, SSR लगा सकते हैं, सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक। सेम वो अपने आप को असम को सोशलिस्ट होता है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का हैंड गवर्नमेंट के हाथ में हो, एक पर्टिकुलर सबके बराबर इक्वल जो है चीज़ें रिसोर्सेज हों असम। तो असम बनाना चाहते थे थ्रू आर्म स्ट्रगल रेबिलियन की बात कर रहे थे, जैसे मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स आपने सुना, उसकी आइडियोलॉजी थी कि भाई चीज़ों का जो भी सोशलिज्म आ सकता है, जब आ सकता है सोशलिज्म थ्रू वायलेंट मीन्स आ सकता है। तो ये उसी के प्रोपोनेंट हैं, ये उसी के एडहेरेंट होते हैं जो किसी को फॉलो करते हैं, एडहेरेंट। ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटेड मेंबर्स, इन्होंने रिक्रूट किया किसी को, सिलेक्ट करने को रिक्रूट करते हैं। दो चीज़ होती हैं, एक तो रिक्रूट होता है, एक सिलेक्शन होता है। रिक्रूट किसी को अंदर ट्रेनिंग के लिए सबॉर्डिनेट नीचे लेवल पे,
या फिर सिलेक्शन होता है कि कोई कई दिन का प्रोसीजर होता है, यहाँ रिक्रूट है, जस्ट एक छोटा सा एग्जाम लिया, इंटरव्यू लिया, ले लिया। तो ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटेड मेंबर्स एंड डिवाइडेड देम इनटू द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री विंग्स, पॉलिटिकल में, राजनीतिक में और मिलिट्री विंग में बांट दिया। उल्फा एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट्स विद द अदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एंड सॉट ट्रेनिंग। उल्फा ने एस्टैब्लिश कर लिया कॉन्टैक्ट विद द अदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। अदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कौन से, जैसे भूटान में थे, भूटान वालों से मिल गई, बांग्लादेश वालों से मिल गए, म्यांमार से मिल गए, और जो NSCN है, नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ जो नागालैंड है, नेशनलिस्ट सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड, उससे मिल गई। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो उग्रवादी ग्रुप थे आसपास में, और सॉट ट्रेनिंग, सीख की सेकंड फॉर्म होती है सॉट, उसने ट्रेनिंग मांगी और मांगी कि हमें ट्रेनिंग दो। एंड आर्म्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन म्यांमार एंड बांग्लादेश, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मस्टर्ड कर लिए, मस्टर्ड होता है इकट्ठा करना, या इसको अमास भी बोलते हैं, अमास। द ग्रुप कैरिड आउट हिट एंड रन, जैसे हिट एंड रन का आपको पता है ट्रक ड्राइवर के लिए लेके चला हुआ, जैसे मार के भाग गए बस, यही है। ऑपरेशंस इन भूटान एंड टारगेटेड इंडियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेज, जहाँ पे इंडिया में जो ऑक्यूपेशनल फोर्सेज हैं, जो जिनका बिजनेस होता है फोर्सेज, उनको टारगेट किया उन्होंने। एंड उल्फाज रीन, जो उल्फाज अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का, हिंदी में का रीन, जो इसका शासन का पीरियड था, ऑफ टेरर लेड टू द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। इससे क्या हुआ कि टेरर लेड, टेरर के द्वारा लीड किया गया, लेड मतलब लीड करना, रीन ऑफ द टेरर लेड, टेरर इसमें लीड करता था टू काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, जो इंसर्जेंसी ऑपरेशन थे, अरेस्ट एंड इम्पोजिशन ऑफ प्रेजिडेंट रूल इन असम। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो उल्फा की रीन थी उसमें क्या किया, वहाँ पर प्रेजिडेंट रूल लगा दिया। आपको पता है कि जब वहाँ पे 1986 की बात है, ये 1986 की बात है, प्रेजिडेंट रूल लग गया था और आफ्सपा आ गया था, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, एंड ऑपरेशन बजरंग भी आ गया था, ऑपरेशन बजरंग आपने सुना होगा कि आर्म ये डिफेंस फोर्सेस का था, और ये सबसाइड करने के लिए जो भी वहाँ पे सिस्टम चला हुआ था, ऑपरेशन बजरंग, आफ्सपा, ऑपरेशन प्रेजिडेंट रूल, 1986 की बात है, जब यहाँ पे राजीव गांधी अपनी पीएम थे। ऑर्गेनाइजेशन फेस्ड सेटबैक्स, मतलब कुछ हार हुई ऑर्गेनाइजेशन की इसकी, इंक्लूडिंग द एक्सपल्शन ऑफ इट्स कैंप्स इन भूटान, वहां से भी इन्होंने भगा दिया भूटान ने, भूटान में अपनी फेवर वाली गवर्नमेंट थी, वहां से उन्होंने भगा दिया। एंड अरेस्ट ऑफ इट्स लीडर, उनके अरेस्ट हो गए लीडर। और बांग्लादेश में भी जैसे 2009 के आसपास जो शेख हसीना की गवर्नमेंट आई है, वो इंडिया की सपोर्ट रही है हमेशा, तो सपोर्ट किया उन्होंने, और उन्होंने वीड आउट कर दिया सबको। वीड आउट होता है खरपतवार की तरह निकाल के फेंक दिया, वीड आउट, जैसे खेत से आप खरपतवार निकाल के फेंकते हैं, वहां से उन्होंने एक्सपल्शन कर दिया, उनसे वहां से भगा दिया, एक्सपल्शन होता भगाना। सम उल्फा मेंबर सरेंडर्ड एंड फॉर्म दी सरेंडर्ड उल्फा, तो सुल्फा बन गया वो, सरेंडर्ड ऐसे सरेंडर बन गया, तो सरेंडर कर दिया उन्होंने, आत्मसमर्पण कर दिया। एलिजिडली मतलब आरोपी तो बात है, यूज बाय दी स्टेट फोर्सेज फॉर सीक्रेट किलिंग, तो कह रहे हैं कि उनको स्टेट फोर्सेज के द्वारा किया गया था, इसको आरोप लगाते हैं कि यूज फॉर दी सीक्रेट किलिंग के लिए भी काम किया गया था। अब आगे चलते हैं। उल्फा लॉस्ट पब्लिक सपोर्ट आफ्टर ए स्कूल बॉम्बिंग इन 2004। उल्फा ने बहुत सारे अटैक किए, बॉम्बिंग की 2004 में स्कूल पे, इंगेज इन फेल पीस टॉक्स, तो इंगेज हुए फेल पीस टॉक में भी, इसलिए उन्होंने अपना क्या है पब्लिक में, नॉर्मल पब्लिक में उनका फेथ है जो लूज कर दिया, उन्होंने फेथ लूज कर दिया, पब्लिक फेथ लूज कर दिया, क्योंकि उन्होंने स्कूल पे अटैक कर दिया। इन 2011 सीज फायर अग्रीमेंट वाज साइन विद द प्रो टॉक्स ग्रुप, 2011 में सीज फायर अग्रीमेंट साइन हुआ, बट द हार्ड लाइन जो मतलब अपनी बात पे टिके थे पत्थर की लकीर की तरह, फैक्शन जो गुट है उल्फा का, इंडिपेंडेंट, उल्फा इंडिपेंडेंट बोलते हैं अपने आप को, लेड बाय द परेश बरुआ, परेश बरुआ उसको लेड करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ जैसे अनूप चेटिया और ये परेश बरुआ, या जो अरविंद खोवा, राज खोवा एंड राजीव वगैरह, ये नाम थे, इन्होंने 6 आदमी इन्होंने इकट्ठा होकर स्टार्टिंग की थी। स्टेट आउट ऑफ द पीस टॉक, ये प्रोसेस से बाहर रहे परेश बरुआ, 2011 में साइन हो गया था। अब रिसेंट पीस अकॉर्ड हुआ साइन 2023 में, सीन एज ए सिग्निफिकेंट स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, सिग्निफिकेंट होता है इसको, इंपॉर्टेंट हमें इसको भाई क्रेडेंस देते हैं, या इंपॉर्टेंट चीज है जो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स एंडिंग एक्सट्रीमिज्म इन असम, जो उग्रवाद को खत्म करने का। ऑल दो बरुआ, जो उल्फा, जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट है, जो परेश बरुआ लीड कर रहे हैं, रिमेन्स ए चैलेंज, वो चैलेंज रहा अभी तक, उन्होंने साइन नहीं किया। लास्टिंग पीस इन असम रिक्वायर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल फैक्शन इंक्लूडिंग उल्फा आई, तो इसका भी सपोर्ट जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू टू अपील सम इंडिविजुअल्स एज अवेंस्ट, अवेंस्ट होता है प्रकट करना, एग्जिबिट करना,
एविंस होता है, जैसे ही एविंस डिसग्रंट या जो भी गुस्सा अपना उसने दिखाया या रिव ऑफ जो भी इनकार करना, वैसे ही इवेंट्स हो रहा प्रकट करना बाय न्यू रिक्रूट्स एंड लो इंटेंसिटी ब्लास्ट। अभी वो क्या कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट वाले, लो इंटेंसिटी ब्लास्ट कर रहे हैं, न्यू रिक्रूट्स कर रहे हैं। द फ्यूचर ऑफ उल्फा रिमेंस अनसर्टेन एज लॉन्ग एज बरवा एंड हिज फाइटर्स रिफ्यूज टू एंगेज इन द पीस प्रोसेस। फ्यूचर उल्फा का रिमेंस रहेगा अनसर्टेन, अनिश्चित रहेगा एज लॉन्ग एज, जब तक बरवा जो परेश बरवा इंडिपेंडेंट वाले हिज फाइटर्स रिफ्यूज टू एंगेज इन द पीस प्रोसेस, जब तक उन्होंने मना किया होगा कि हम पीस प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा हमारा, तब तक ये अनसर्टेन रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको समझ में आऊंगा। बहुत अच्छे से मैंने ये पीडीएफ बनाई है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें, और इसको मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप नोट्स भी बना सकें अपने लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।